हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कब आप एग्रेसिवली बाई करना चाहिए, कब आपको कौन से सिनेरियो में आपको एग्रेसिवली सेलिंग करना चाहिए, कल का मार्केट में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है सेलिंग के साइड ज़्यादा या बाइंग के साइड, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ इनसाइट्स पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे ये कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना सकता है, बनाया, उसके बाद अगर एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए कब करना चाहिए। जनरली मैंने आपको WNM पैटर्न का वीडियो बनाया हूँ, सेम पहले ये ऊपर जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखो, प्रीवियस ट्रेंड कौन सा था, सेलिंग के साइड था। मार्केट जब ऊपर जाएगा इट विल हिट द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हिट किया करेक्ट, ये पॉइंट से अगर ये टर्न अराउंड हो के 21,000 अभी जो करंट मार्केट का स्विंग बनाया है उसके ऊपर निकल जाता है, ये पॉइंट पे आपका एग्रेसिवली बाइंग होना चाहिए। लेकिन कल का मार्केट अभी दूर है, यहाँ पे आने के लिए टाइम लगेगा। एग्जैक्टली कल क्या कर सकते हो, देखिए फर्स्ट थिंग, ये ट्रेंडिंग मार्केट था, सेलिंग के लिए था, ये फर्स्ट इंपल्स मूव हुआ है, इसके बाद ये अगर कंटिन्यू करता है तो ये पॉइंट पे भी एग्रेसिवली सेल हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन तब बनेगा जब यहाँ से ये रिट्रेस करेगा, तो इसका मतलब कल के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सेलिंग के साइड। तो आप क्या कर सकते हो, 21,400 के नीचे सेलिंग लगा सकते हो, स्टॉप लॉस 70-80 रुपीज मैक्सिमम, या 60-50 रुपीज, या फिर इंट्राडे में जो स्विंग बनाया होगा, लेट से 15-20 मिनट में ये नीचे आ गया, जो मार्केट का हाई होगा वहां पे आप लगा सकते हो, या फिर 60-70 रुपीज। मैंने आपको सेलिंग के लिए क्यों बोला, चलिए हम लोग देखते हैं। कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर था, ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया है, यहां से मार्केट चांसेस है ये कंटिन्यू हो सकता है, तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू होगा। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, मार्केट को अगर नीचे आना है, दिस इज द बेस्ट प्लेस। नेगेटिव कैंडल बना चुका है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करके स्टॉप लॉस लगा चुके होंगे, आपको बस ये मोमेंटम कैप्चर करना है, नीचे की तरफ अगर आना होगा। लेकिन अगर मार्केट को कल बाइंग के लिए जाना है, लेट इट हिट योर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट करेगा तो कंफर्म ये हो जाएगा, यहाँ से ये एक हॉल्ट कैंडल बना देगा, इन बिटवीन कैंडल बना के रख देगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर नेक्स्ट डे आप एक बाइंग का मोमेंटम कर सकते हो। लेकिन कल इमीडिएट में सेलिंग के लिए देखना चाहूँगा। लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट ये है, मार्केट कहाँ खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप अप। अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर एक साइडवेज मार्केट आपको देखने मिलेगा, फ्लैट या थोड़ा बहुत 40-50 पॉइंट नीचे अगर खुलता है तो एक सेलिंग का प्रेशर देखने मिल सकता है, फिर एक इन बिटवीन कैंडल बना सकता है टुवर्ड द डे एंड, क्योंकि नीचे की साइड जो यहाँ पे बाइंग हुआ है वहाँ पे ये सपोर्ट लेके फिर, लेकिन पहले सेलिंग का ही प्रेशर आना चाहिए। और मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ये रखना चाहिए आपको सेलिंग का प्रेशर, क्योंकि ये मूव हुआ डाउन ट्रेंड, इंपल्स मूव, यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, ये ध्यान में रखो। चलिए हम लोग देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे 11,200 के नीचे आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, 30-40 रुपये स्टॉप लॉस देके। अगर इसका 15 मिनट्स का चार्ट हम लोग देखेंगे, कंप्लीटली साइडवेज रेंज में मार्केट है अभी आज के दिन, कंप्लीटली मतलब एक स्मॉल रेंज के अंदर मार्केट बना रहा। 11,200 एक लॉजिकल सेलिंग पॉइंट रहेगा, क्यों, ये इंट्राडे में कंटिन्यूसली ये पॉइंट हिट कर रहा है 11,200 के नीचे। 11,280 के ऊपर आप बाई कर सकते हो क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, ये रेंज अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको 30-40 रुपये स्टॉप लॉस देके काम करने का मौका मिलेगा, ये एक अच्छा सिनारी हो सकता है। इसका मतलब 11,200 के नीचे आप प्लान कर सकते हो शॉर्ट करने के लिए, ये रेंज भी ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो पहला ही कैंडल 10-15 मिनट का कैंडल ही इसको ब्रेकआउट कर देना चाहिए। अगर मार्केट या ऊपर खुल जाता है तो फिर ये इसी रेंज में खेलता रहेगा, फिर टुवर्ड द डे एंड ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, जहां पे ज्यादा मोमेंटम नहीं मिल सकता। लेकिन अगर ये मॉर्निंग आवर में कल ब्रेकआउट दे देता है नीचे की तरफ तो आपको एक अच्छा सिनेरियो देखने मिल सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, अगर देखेंगे यहाँ से अगर मोमेंटम कंटिन्यू किया तो आप एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर खुल जाता है या एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो चांसेस आर वेरी हाई ये इन बिटवीन कैंडल भी बना दे, तो बड़ा कैंडल हॉल्ट किया फिर आप ट्रेड कर सकते हो। कल दोनों केस में हम लोग को सेलिंग का सिनेरियो देखने मिल सकता है, तो इसको हम लोग कल शॉर्ट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे। कौन से लेवल पे ट्रेड करना है कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 390 के नीचे ये भी एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। देखिए मार्केट ऊपर गया, ये फर्स्ट टाइम आया, उसके बाद ये ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर ये सेकंड टाइम आ रहा है, इसके नीचे फिर से एक सेलिंग का प्रेशर आएगा। 390 के नीचे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SCLTech। SCLTech अगर देखेंगे कंटिन्यूसली हाई लगा रहा था, एक अच्छे ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन आप अगर इन डिटेल्स में प्राइस एक्शन देखेंगे ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, ये एक हाई लगाया करेक्ट,
फिर ये नीचे आया, फिर मार्केट ने ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन जो प्रीवियस हाई था वो क्रॉस नहीं कर पाया, अभी ये नीचे आ रहा है। कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? एक एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा टॉप में, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ है? इसके नीचे कंफर्मेशन होगा। लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना है, ये एक अच्छे प्लेस में आप कल को शॉर्ट कर सकते हो, 810 के नीचे इसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये नीचे आएगा, ये लेवल टच करता है, तो आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा डीप जाके करेक्शन होके फिर ऊपर जा सकता है। तो कल एक अच्छा प्लेस है इसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक पैटर्न डाउनसाइड का बना रहा है, सेम इसी लेवल पे हम लोग कल शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्री। अगर हम लोग देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 1420 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि नहीं, ये कंटिन्यू मोमेंटम में है। इसको क्या करना चाहिए था? जनरली ये मोमेंटम किया, यहाँ पे हॉल्ट करके फिर मोमेंटम करना चाहिए था। लेकिन अगर हम इन डिटेल्स में देखेंगे, इंट्राडे के अंदर ही ये इसी लेवल पे आके टच करके फिर ऊपर गया है। इसका मतलब जो ब्रेकआउट लेवल था इसने इंट्राडे में रिटेस्ट कर चुका है, तो कल हो सकता है 1500 आसपास ये जाने के बाद फिर एक टेस्ट मतलब रिट्रेस हो नीचे की तरफ। लेकिन 1500 एक लॉजिकल टारगेट हो जाता है, इसको हम लोग कल कैप्चर कर सकते हैं। 20 पॉइंट भी बहुत होता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, अच्छा एक सिनेरियो दिखा। 1485 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग इसको कल बाई कर सकते हैं, एक अच्छा लेवल दिख रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।